हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में द मर्चेंट ऑफ वेनिस के पार्ट 9 को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले जो है 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। फ्रेंड्स यह जो है इसका 9th पार्ट है। फ्रेंड्स इसके 8 पार्ट में हम लोगों ने यहां तक अध्ययन किया था, यहां जो लिखा है बट नोट मिस सीनियर, यहां पे जो मार्क लगा हुआ है यहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग यहां से अध्ययन करेंगे एंटोनियो से। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग बिना समय के बाद शुरू करते हैं। देखिए एंटोनियो कह रहा है कि मार्क्यू दिस बैसेनियो, वो कह रहा है कि बैसेनियो तुम इस बात पर ध्यान दो, तुम इस बात पर ध्यान दो कि द डेविल, कह रहा है कि एक शैतान भी कैन साइट, उदाहरण दे सकता है स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथ से फॉर इस पर्पज, अपने उद्देश्य के लिए। साइट का मतलब उदाहरण देना, स्क्रिप्चर मीन्स होता है धर्म ग्रंथ। कह रहा है कि बैसेनियो तुम ध्यान दो कि एक शैतान भी अपने उद्देश्य के लिए धर्म ग्रंथ से उदाहरण दे सकता है। एंड इविल सोल, एक बुरी आत्मा प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, प्रोड्यूसिंग प्रस्तुत कर सकती है होली विटनेस, होली पवित्र विटनेस मीन साक्ष्य, पवित्र साक्ष्य को, पवित्र एक बुरी आत्मा भी पवित्र साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकती है, मतलब अपने लाभ के लिए। इस लाइक ए विलियन, जैसे कि एक दुष्ट व्यक्ति विथ स्माइल चीक, जैसे एक दुष्ट व्यक्ति मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ होता है। कह रहा है कि ठीक वैसे ही जैसे कि एक दुष्ट व्यक्ति हो और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। अ गुडली एप्पल, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा सेब रूटेन एट द हार्ट, अंदर से सड़ा हुआ हो। रूटेन मतलब सड़ा हुआ। कह रहा है कि ठीक वैसे ही जैसे कि एक सेब जो हो ऊपर से तो बहुत अच्छा हो लेकिन अंदर से सड़ा हुआ हो। ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, कह रहा है कि अरे झूठ का भी वाह स्वरूप कितना सुंदर हुआ करता है। कह रहा है कि व्हाट गुडली, कितना अच्छा होता है आउटसाइड, वाह स्वरूप फॉल्सहुड हैथ, कह रहा है फॉल्सहुड में झूठ का, यहाँ हैथ का मतलब है जब से, कह रहा है कि झूठ का वाह स्वरूप भी कितना सुंदर हुआ करता है। तो सैला कह रहा है कि 3000 डेकर्स, कह रहा है 3000 स्वर्ण मुद्राएं, टिस ए गुड राउंड सम, कह रहा है कि यह एक बहुत बड़ी रकम है। थ्री मंथ्स, कह रहा है कि थ्री मंथ फ्रॉम 12, कह रहे 12 तारीख से 3 महीने के लिए। देन लेट मी सी द रेट, कह रहा है तब मुझे जो है तब मुझे ब्याज दर देखने दो, मतलब ब्याज दर क्या है। एंटोनियो कह रहा है कि वेल सैलॉक सेल वी बी बीहोल्डिंग टू यू, एंटोनियो कह रहा है कि वेल सैलॉक, कह रहा है ठीक है सैलॉक, कह रहा है सेल वी बी बीहोल्डिंग टू यू, बीहोल्डिंग मतलब होता है ओबलाइज, कृतज्ञ होना या एहसानमंद होना। तो कह रहा है ठीक है सैलॉक हम तुम्हारे एहसानमंद होंगे, मतलब हम तुम्हारे आभारी होंगे, ओबलाइज मतलब एहसानमंद होना या आभारी होना। तो सैलॉक कह रहा है कि सीनियर एंटोनियो, कह रहा है कि श्रीमान एंटोनियो मेनी ए टाइम, कह रहा है कि कई बार एंड ऑफ्टर प्राय इन द रियाल्टो, आढ़त पर, रियाल्टो मतलब आढ़त, तुम्हें अकरे आढ़त पर कई बार और प्राय यू हैव रेटेड मी, रेटेड मतलब होता है अब्यूज्ड, यहां देखिए लिखा हुआ है रेटेड मतलब अब्यूज्ड, गाली देना। कह रहा है कि तुमने मुझे प्राय गाली दिया है अबाउट माई मनी, मेरे पैसे को गाली दिया है, एंड माई यूजेंसेस, और यूजेंसी का मतलब क्या है यहां पर लिखा हुआ है, देखिए मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस अर्थात पैसे उधार देने का कार्य। कह रहा है कि तुमने कई बार मुझे आढ़त पर मेरे पैसे को और मेरे उधार देने के इस कार्य को तुमने कई बार गाली दी है या तुमने भला बुरा कहा है। तो कह रहा है कि स्टील, कह रहे हमेशा हैव आई बॉर्न इट, मैंने इसे सहन किया है विथ ए पेशेंट, धैर्य के साथ, श्रग, श्रग का मतलब होता है कंधे हिलाना। कह रहा कि हमने हमेशा इसे धैर्य के साथ और कंधे हिलाकर अपने इसको सहन किया है। फॉर सफरेंस इज द बेस ऑफ ऑल आवर ट्राइब, यहां सफरेंस का मतलब है एंडोरेंस, सहनशीलता, और यहाँ बैज का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषता। कह रहा है कि स्टील हमेशा है भाई बॉर्न इट, मैंने इसे सहन किया है विथ पेशेंट, धैर्य के साथ, श्रग, अपने कंधों को हिलाकर। फॉर सफरेंस, क्योंकि सहनशीलता ही इज द बैज, सहनशीलता ही जो है इज द बैज ऑफ ऑल आवर ट्राइब, ट्राइब मैंने जाति, कह रहा है कि हमारी जाति की विशेषता है। कह रहा है क्योंकि सहनशीलता ही हमारी जाति की विशेषता है। यू कॉल मी मिस बिलीवर, तुमने मुझे विश्वास न करने वाला कहा, कट थ्रॉट डॉग, गला काटने वाला कुत्ता कहा। एंड स्पीड अपान माई ज्यूस गैबरडाइन, गैबरडाइन में होता है परिधान या पोशाक। कह रहा है कि एंड स्पीड, स्पीड मीन्स होता है थूकना। कह रहा है और तुमने मेरे जीविस गैबरडाइन, मतलब तुमने मेरे यहूदी वाले परिधान पर थूका। एंड ऑल फॉर यूज ऑफ दैट विच इज माइन ओन, कह रहा है कि एंड ऑल, और उन सभी के लिए, और यह एंड ऑल, और तुमने यह सभी किया फॉर यूज ऑफ दैट, उसका लाभ उठाने के लिए विच इज माइन ओन, जो मेरा अपना है।
इसमें कराया कि और यह सब तुम जो है यह सब तुम करते हो जिससे तुम मेरे अपने धन का लाभ उठा सको। इसमें कराया कि एंड ऑल और वे सारी चीजें मतलब जो तुमने किया है फॉर यूज ऑफ दैट कराया उसका लाभ उठाने के लिए मतलब उसका मतलब उस धन का लाभ उठाने के लिए विच इज माइन ओन जो मेरा अपना है। वेल देन कराया ठीक है तब इट नाउ अपियर्स अब तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि यू नीड माई हेल्प कि तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता मतलब अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। गो टू देन कह रहा है कि गो टू देन चलिए छोड़िए यू कम टू मी तुम मेरे पास आए हो एंड यू से और तुम कह रहे हो कि सैलाक वी वुड हैव मनीज कि और तुम कह रहे हो कि वी वुड हैव मनीज तुम्हें धन की आवश्यकता है। यू से सो तुम ऐसा कहते हो यू दैट डिड वाइड योर रियम अपॉन माई बियर्ड यहां पर वाइड योर रियम का क्या मतलब है यहां पर कह रहा है कि दैट वाइड योर रियम का मतलब होता है इसमें कि कास्ट योर स्पीट मतलब थूकना कह रहा है कि दैट यू डिड वाइड योर रियम अपॉन माई बियर्ड तूने मेरी दाढ़ी पे थूका एंड फूट मी और मुझे लात मारा एज यू स्पर्न अ स्ट्रेंजर कर जैसा कि तुम लात मारते हो स्ट्रेंजर कर एक आवारा कुत्ते को कर मीन्स कुत्ता यहाँ कर का मतलब स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ता उसे क्या करे तूने मेरी दाढ़ी पे थूका और तुम मुझे ऐसे लात मारते हो जैसे किसी आवारे कुत्ते को मारा जाता है। कह रहा है कि ओवरी और थ्रेशोल्ड में होता है देहरी कह रहा है और वह भी हमारी देहरी पर मनी इज योर सूट यहाँ सूट का मतलब होता है रिक्वेस्ट मतलब कह रहा है मनी इज योर सूट पैसा तुम्हारी प्रार्थना है मतलब तुम पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हो। व्हाट शुड आई से टू यू मैं तुमसे क्या कहूं शुड आई नॉट से क्या मैं यह ना कह दूं कि है थे डॉग मनी कि क्या किसी कुत्ते के पास पैसा होता है इज इट पॉसिबल क्या यह संभव है कि अ कर कि एक कुत्ता एक आवारा कुत्ता कैन लेंड 3000 डुकेट्स कि कह रहे क्या यह संभव है कि एक आवारा कुत्ता 300 मुद्राएं दे सकता है। आर सेल आई बेंड लो या मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं एंड इन ए बॉन्डमैन्स की यहां है बॉन्डमैन्स की का मतलब क्या है बॉन्डमैन्स की का मतलब है कि हम विस्परिंग हमलेसनेस मतलब धीरे से कुछ कहना इसमें कह रहा है कि सेल आई बेंड लो क्या मैं नीचे झुक जाऊं एंड इन बॉन्डमैन्स की और एक कह रहा है कि और विनम्रतापूर्वक धीरे से कहूं विथ बैटेड ब्रीथ फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मैं फिर से बता रहा हूं कह रहा है कि सेल आई बेंड लो क्या मैं नीचे झुक जाऊं एंड इन ए बॉन्डमैन्स की का मतलब होता है इन ए सर्वाइल टोन बॉन्डमैन्स की का मतलब इन ए सर्वाइल टोन मतलब एक गुलामों की स्वर में गुलामों की तरह कह रहा है कि क्या मैं झुक जाऊं गुलामों की तरह विथ बैटेड ब्रीथ का मतलब होता है लोअर्ड वॉइस मतलब नीची आवाज में कह रहा है कि गुलाम की तरह मैं नीची आवाज में तुमसे कहूं एंड विस्परिंग हमलेसनेस और धीरे से कहूं से दिस करा कि यह कहूं इसमें क्या कहना चाह रहा है मैं पूरा बता दे रहा हूं करा कि क्या मैं अति नीचा झुक जाऊं और गुलामों की तरह धीमी और नीची आवाज में विनम्रता से फुसफुसाता हुआ ऐसा कहूं कि हे श्रीमान आपने पिछले बुधवार को मेरे ऊपर थूका था और ऐसे किसी और दिन मुझे धक्का दिया था मुझे कुत्ता कहा था और इन सारी शिष्टताओं के लिए मैं तुम्हें यह धनराशि उधार दे रहा हूं। वह कह रहा कि फेर सर कह रहा है सिद्ध क्या यह कहूं कि फिर सर कह रहा है कि श्रीमान यू स्पिट ऑन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट तुमने पिछले वेडनेसडे को मेरे ऊपर थूका था यू स्पेंड मी सच डे और उसी दिन तुमने मेरे कह रहा है कि और उसी दिन तुमने मेरे मुझे लात मारी थी एंड द टाइम यू कुड कॉल मी डॉग और दूसरी बार जो है तुमने मुझे कुत्ता कहा था एंड फॉर दिस कर्टसी और इन विनम्रताओं के लिए आई शैल लेंड यू दिस मच मनी मैं तुम्हें यह पैसा उधार देता हूं क्या वो कह रहा है क्या मैं ऐसे कहूं तो एंटोनियो कह रहा है कि आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर दोबारा भी ऐसा ही कहना पसंद करूंगा कह रहा है कि आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन मैं तुम्हें दोबारा भी ऐसा ही कहना पसंद करूंगा अर्थात मैं तुम्हें दोबारा कुत्ता कहना पसंद करूंगा वो कहना चाह रहा है टू स्पीट ऑन दी अगेन मैं तुम्हारे पर दोबारा थूकना चाहूंगा टू स्पर्न दी टू तुम्हें लात मारना भी चाहूंगा इफ यू विल लेंड दिस मनी ये तू मुझे पैसा उधार देते हो लेंड इट नॉट एज टू थाई फ्रेंड्स तो वैसे मत दो जैसे तुम अपने मित्र को देते हो फार क्योंकि वेन डिट फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड
क्रैकी फार, क्योंकि वे कब जो है एक मित्र टेक अ ब्रीड लाभ लेता है फॉर बैरन मेटल, बैरन मेटल मतलब खाली धनराशि, खाली पैसा, फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड, क्रैकी अपने मित्र के खाली पड़े हुए पैसे का। वह कहना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे धन उधार देते हो तो उसे अपने दोस्तों की तरह मत दो, क्योंकि दोस्ती में मनुष्य अपने फालतू पड़े हुए धन के लिए दोस्तों से लाभ नहीं लेता है, परंतु यह धन अपने शत्रुओं की तरह दो, क्योंकि जब शत्रु चुकाने असफल होता है तो तुम उससे अच्छे प्रकार से बलपूर्वक अपने धन को वापस मांग सकते हो। देखो वही कह रहा है कि इफ डू विल लेंड दिस मनी, ये तुम मुझे पैसा देते हो, लेंड इट नॉट एज थाई फ्रेंड, अपने मित्र की तरह मत दो। फार वेन डिड फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है, ब्रीड का मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ। फार यहाँ बैरन मेटल मतलब बैरन मेटल मतलब खाली पड़ा हुआ पैसा। करा इस ऑफ हिज फ्रेंड, करा कि क्योंकि एक मित्र जो है अपने खाली पड़े हुए पैसे के लिए जो है अपने लाभ के लिए अपने मित्र को पैसे नहीं देता। उसका कहने का मतलब कि एक मित्र अपने मित्र को जब पैसे देता है तो ब्याज नहीं लेता। बट लेंड इट रैदर टू थाइन एनेमी, कहरा कि बट लेंड इट, लेकिन इसे दो मतलब मुझे दो, टू थाइन एनेमी अपने शत्रु की तरह, थाइन मीन्स अपने ही, एनेमी मतलब शत्रु, कहरा मुझे मित्र की तरह नहीं अपने शत्रु की तरह मुझे पैसा दो, अपने दुश्मन की तरह। हु कहरा जो इफ द ब्रेक, यहाँ ब्रेक का मतलब फेल मतलब असफल होना, कह रहा है कि हु इफ ही ब्रेक, यदि वो असफल होता है अर्थात धन देने में असफल होता है तो डू माइस्ट विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनाल्टी, तो कह रहा है तो तुम जो है उससे पेनाल्टी जबरदस्ती ले सकते हो। तो सलाह कह रहा है कि वाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म मतलब क्रोधित, कह रहा है कि तुम इतने क्रोधित क्यों होते हो। आई वुड बी फ्रेंड विथ यू, कह रहा है मैं तुम्हारे साथ मित्र बनूंगा, एंड हैव योर लव और तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करूंगा। फॉरगेट द सेम, कह रहा है कि उन शर्मिंदगियों को भूल जाऊंगा दैट यू हैव स्टेंड मी विथ, जिसे तुमने मेरे लिए कहा है। कह रहा है कि फॉरगेट द सेम्स, मैं उन शर्मिंदगियों को भूल जाऊंगा या उन बुरी बातों को भूल जाऊंगा दैट यू हैव स्टैंड मी विथ, कह रहा है जिन बुरी बातों को तुमने मेरे लिए कहा है। सप्लाई योर प्रेजेंट वांट्स, कह रहा है कि मैं जो है सप्लाई पूर्ति करूंगा योर प्रेजेंट वांट्स, तुम्हारे वर्तमान आवश्यकता का, वांट का मतलब आवश्यकता, तुम्हारी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। एंड टेक नो डोइट, यहाँ डोइट का मतलब है, डोइट का मतलब है अ स्मॉल कॉपर क्वाइन, तांबे का एक छोटा सिक्का। कह रहा है कि टेक नो डोइट ऑफ यूजेंस, यहाँ यूजेंस का मतलब है इंटरेस्ट, ब्याज। कह रहा है कि सप्लाई योर प्रेजेंट वांट, मैं तुम्हारी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। एंड टेक नो डोट ऑफ यूजेंस, और ब्याज के रूप में तांबे का एक छोटा सिक्का भी नहीं लूंगा। फॉर माई मनी, अपने पैसे के लिए, कह रहा है अपने पैसे पर ब्याज के लिए मैं तांबे का एक छोटा सिक्का भी नहीं लूंगा। एंड यू शैल नॉट हियर मी, और तुम हियर मी, कह रहा है कि एंड यू शैल नॉट हियर मी, और तुम मेरे मुंह से इसकी बात भी नहीं सुनोगे। कह रहा है कि दिस इज काइंड आई ऑफर, कह रहा है कि यह दयालुता मैं ऑफर करता हूं, मतलब मैं इस दयालुता का प्रस्ताव रखता हूं। तो बसानियों कह रहा है कि दिस वेयर काइंडनेस, कह रहा है कि यह दयालुता है, मतलब यह तुम्हारी दयालुता है, कह रहा है कि यह वास्तव में तुम्हारी दयालुता है। सलाह कह रहा है कि दिस काइंडनेस विल आई शो, कह रहा है कि मैं ऐसी ही दयालुता दिखाऊंगा। कह रहा है कि गो विद मी टू नोटरी, तो चलो अब एक वकील के पास, मतलब नोटरी मतलब वकील के पास चलो। सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड, कह रहा है कि तुम मेरे साथ वकील के पास चलो और इसे एक मजाक समझते हुए एक जमानत लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दो। कह रहा है कि गो विथ मी टू ए नोटरी, एक वकील के पास चलो, सील मी, वहां अपने हस्ताक्षर कर दो योर सिंगल बॉन्ड, कह रहा है कि अपने बॉन्ड पर, बॉन्ड मतलब शपथ पत्र पर। एंड इन ए मेरी शोट, और खेल खेल में मतलब मजाक स्वरूप या खेल खेल में, इफ यू रिपे, कह रहा है खेल खेल में तुम पर सिग्नेचर कर दो अपने बॉन्ड पर। इफ यू रिपे मी नॉट, ये तुम मेरा पैसा चुका नहीं पाते हो, ऑन सच डे, उस दिन, इन सच प्लेस, उस स्थान पर, सच सम उतनी रकम, सच सम और समसार उतनी रकम या उतनी रकमें, एक्सप्रेस इन द कंडीशन, जो कि शर्त में व्यक्त की गई है या इस शर्त में लिखी गई है, लेट द फोरफीट बी नॉमिनेटेड फॉर एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फ्लेस, ऑफ योर फेयर फ्लेस। तो कह रहा है कि लेट द फोरफेट मतलब जुर्माना, तो कह रहा है कि तो जो है लेट द फोरफेट बी नॉमिनेटेड फॉर एन इक्वल पाउंड, तो कह रहा है कि समान एक, कह रहा है कि ठीक एक पाउंड मांस के जुर्माने के लिए मुझे नॉमिनेट किया जाए, मतलब मुझे नामित किया जाए ऑफ योर फेयर फ्लेश, तुम्हारे मांस के लिए, मतलब तुम्हारे एक पाउंड मांस के लिए मुझे जो है जुर्माने के तौर पर इसके लिए नॉमिनेट किया जाए, अर्थात मुझे नामित किया जाए। उसका कहना मतलब मुझे अधिकार प्राप्त हो कि मैं एक पाउंड मांस काट लूं। कह रहा है टू बी कट ऑफ,
कढ़ाई से काट लिया जाए एंड टेकन और ले लिया जाए इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी, कढ़ाई तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग से, प्लीज मी, जहां से मैं चाहूं। साला कहता है कि मैं ऐसी ही दयालुता दिखाऊंगा। तो चलो अब एक वकील के पास और इसे एक मजाक समझते हुए एक जमानत लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दो कि अमुक दिन अमुक स्थान पर इतनी इतनी धनराशि जैसी कि शर्त में लिखी गई है, अगर तुम मुझे वापस नहीं करते हो तो अर्थ दंड के रूप में तुम्हारे मांस से ठीक ये समान मात्रा में मांस काट लेने का मुझे अधिकार प्राप्त हो, जिसे मैं तुम्हारे शरीर में से जहां से चाहूं वहां से काट लूं। मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ। सलाह करा कि दिस काइंडनेस विल आई शो, यह दयालुता मैं दिखाऊंगा। गो विथ मी टू ए नोटरी, मेरे साथ नोटरी के पास चलो, अर्थात वकील के पास चलो। सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड, वहां पे बॉन्ड मतलब शपथ पत्र, वहां पर अपने शपथ पत्र पे सील मतलब मुहर लगा देना या साइन कर देना या हस्ताक्षर कर देना। एंड इन ए मेरी स्पॉट, और मतलब मजाक स्वरूप में, मतलब खेल खेल में मजाक स्वरूप में, मजाक में। इफ यू रिपे मी नॉट ऑन सच डे, करा ये तुम मुझे जो है रिपेमेंट चुकाना, करा कि अमुक दिन को चुका नहीं पाते हो, इन सच ए प्लेस, अमुक स्थान पर, सच सम्स आर समसार, और अमुक धनराशि को, एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, शपथ पत्र या कंडीशन, जो इस शपथ पत्र में व्यक्त की गई है, जो इस शपथ पत्र में लिखी गई है। करा लेट द फोरपेड बी नॉमिनेटेड फॉर ए इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लेश, फ्लेश एंड मांस। करा कि मैं जो है, फोरपेड का मतलब होता है जुर्माना, करा कि मैं जो है एक ठीक एक पाउंड तुम्हारे शरीर से, एक पाउंड मांस के लिए मुझे नॉमिनेटेड किया जाए, अर्थात मुझे नामित किया जाए या मुझे अधिकार प्राप्त प्रदान किया जाए। टू बी कट ऑफ, कि किस मांस को काट लिया जाए एंड टेकन और ले लिया जाए इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के किसी भाग से, प्लीज मी जहां से मैं चाहूं। तो एंटोनियो कह रहा है कंटेंट इन फेथ, कह रहा है इन फेथ विश्वास को कंटेंट, मैं संतुष्ट हूं। जो कह रहा है विश्वास को मैं संतुष्ट हूं, आई विल सील टू सच ए बॉन्ड, कह रहा कि आई विल सील टू सच बॉन्ड, मैं ऐसे बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दूंगा। एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द ज्यू, कह रहा कि और फिर कहूंगा कि यहूदियों में भी बहुत दयालुता होती है, कह रहा कि एंड से और कहूंगा कि देयर इज मच काइंडनेस इन द ज्यू, कि यहूदियों में भी बहुत दयालुता होती है। तो बसानियो कह रहा है कि यू शैल नॉट सील टू सच ए बॉन्ड फॉर मी, उसने कहा कि तुम जो है मेरे लिए ऐसे बॉन्ड पर सिग्नेचर नहीं करोगे। आई शैल रेदर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, कह रहा कि मैं अपनी आवश्यकता में ही रह लूंगा। कह रहा कि आई रेदर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, ड्वेल का मतलब निवास करना होता है, कह रहा कि मैं अपनी आवश्यकता में ही रह लूंगा, मतलब जितनी आवश्यकता है मैं उसी से काम चला लूंगा। देखो एंटोनियो कह रहा है कि वाई, क्यों, फियर नॉट, डरो मत, फियर नॉट मीन कह रहा कि डरो मत, आई विल नॉट फॉरफेट इट, कह रहा कि मैं इसे हारूंगा नहीं या मैं ये जुर्माना नहीं भरूंगा। विद इन दिस टू मंथ, कह रहा दो महीनों के अंदर ही, दैट्स मंथ बिफोर, एक महीने पहले, दिस बॉन्ड एक्सपायर, जब यह बॉन्ड समाप्त होगा, मतलब इस बॉन्ड के समाप्त होने के एक महीने पहले ही, आई डू एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ कि रिटर्न ऑफ थ्राइस थ्री टाइम्स मतलब तीन गुना का, तीन बार था, तीन गुना तीन मतलब नौ गुना, कह रहा कि मैं आशा करता हूँ कि इसका नौ गुना रिटर्न हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड की जितनी वैल्यू है, मतलब इस बॉन्ड में जो लिखा गया है, कितना लिखा गया, 3000 स्वर्ण मुद्राएं, कह रहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं का नौ गुना मेरे पास तब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, यहां पर मैं निशान लगा दे रहा हूं। नेक्स्ट इसके पार्ट 10 में हम लोग इसके आगे से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू।